हमें ये एजाज़ हासिल है कि आज हमें ज्वाइन किया है जमोद खान साहब ने, और ये भी रावलपिंडी बार के मुजस रुकन है और यहाँ पे आज एक्टिव रुकन है और सियासी तौर पे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आज इनसे बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। और ये अभी अभी पहुँचे हैं और अभी अपना जो है वो कीमती वोट कास्ट करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इकराम अमीन मिनाज साहब भी और मलक साहब भी मौजूद हैं। जमोद खान साहब, आप इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है? देखें जी, मैं पहले भी बात कर रहा था कि रावलपिंडी बार और रावलपिंडी हाई कोर्ट बार की एक तारीख है माशाल्लाह। आप देखें इसके, अगर आप हमारा रावलपिंडी बार में बोर्ड देखें जो हमारा इलेक्शन का है, तो तकरीबन एक सदी पहले भी रावलपिंडी बार के अंदर इलेक्शन होते थे पाकिस्तान बनने से पहले भी। और इकराम अमीन मनाज साहब और शफकत मनीर साहब भी इस बात की तईद करेंगे कि पिछले 100 सालों में कभी भी हमारा इलेक्शन ना कभी डिले हुआ है, ना कभी मुलतवी हुआ है, और ना ही कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट आपस में क्लैश करें। और ये बड़ा एक खूबसूरत किस्म का माहौल होता है हाई कोर्ट में। आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे हाई कोर्ट बार के सदूर के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए और दीगर, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं अपनी कंपेन के अंदर। और आज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन में समझता हूँ पहला रावलपिंडी बार के अंदर हो रहा है, हाईकोर्ट बार के अंदर, वो भी बड़े ऐसन तरीके से हम दबाएंगे। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क को रावलपिंडी बार का और पूरे पाकिस्तान बार जितनी भी हमारी, उनको एक जो हमारी रिफ्लेक्शन है पोलिटिकल हवाले से कि यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक तो रेगुलर इलेक्शंस, फिर यहाँ पे कोई सियासी क्लैश नहीं होता, चंद दिनों का इलेक्शन होता है, फिर आप देखेंगे कल से सारे कैंडिडेट रवान दवाएँ। और आज शाम को भी देखेंगे कि हार जीत के बाद जो भी फैसला वकला करेंगे सारे के सारे कैंडिडेट, इंशाल्लाह आपस में गपशप लगाएंगे, एक दूसरे को हार भी डालेंगे। इससे इस रवायत को पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। राय साहब, आप क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? सर, बात यह है कि जो हमारे सीनियर भी हैं और और खान साहब जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी भी रहे, खान साहब जो है हमें सारा इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ वोट भी डालते हैं। ये इन्होंने जो बात की है, आई एग्री कि ये चंद घंटों का होता है, उसके बाद हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं होती। हम हो सकता है आज जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल हो सकता है दूसरी ओपोनेंट के साथ खड़े हों। तो खान साहब का हमारे दरमियान आना, ही इज़ अ ऑनर ऑफ द पिंडी, अल्लाह करे इनको, और इन्होंने जो स्वीट होम का काम किया पूरे पाकिस्तान में, ही इज़ अ लॉडेबल पर्सन, ही इज़ अ लेजेंड फॉर अस एंड ही बिलोंग्स टू माई चैम्बर। आई एम प्राउड ऑफ हिम, थैंक यू, लव यू। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? हर साल वकला जो है अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपने अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर वकला हमेशा जमहूरी अमल के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर भी जमहूरी तरीके से जो हुकूमतें बने उन्हें अपने टेन्योर्स पूरे करने चाहिए, और ताकि मुल्क जो अवाम का राइट है वो उनको मिले और इस तरह हमारा मुल्क फल फूल सके, तरक्की कर सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।